वर्क परमिट मिलते हैं सबसे पहले जितने इनलेट और आउटलेट है इन सब को ब्लाइंड कर दिया जाता है, अर्थात बंद कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लाइंडिंग या स्प्रेडिंग या फिर आइसोलेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाहर का कोई पदार्थ अंदर आकर अंदर काम कर रहे आदमी को नुकसान न पहुंचाए। कभी कभी ब्लाइंडिंग का काम ऊंचाई पर करना पड़ता है मित्रों, जहां एस्केप होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको एस्केप होल्डिंग टीम बनाकर देती है। फिटर को या अन्य व्यक्ति को चाहिए कि एस्केप होल्डिंग पर चढ़ने के पहले एस्केप होल्डिंग का टैग को निश्चित रूप से देखें। यदि एस्केप होल्डिंग में ग्रीन टैग लगा है तभी उस पर चढ़े, अन्यथा नहीं। साथ ही एस्केप होल्डिंग पर जाने के लिए मित्रों सेफ्टी हार्नेस पहनना जरूरी है और इसको 100% टाई अप भी कर दें। किसी किसी लाइन को ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग करने के लिए SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस की भी जरूरत पड़ती है, जहां पर गैस होने की संभावना होती है। इस प्रकार के एक्टिविटी के लिए फिर SCBA पहनकर ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग किया जाता है। याद रखें मित्रों, SCBA उसी को पहनना चाहिए जिसके दाढ़ी ना हो, क्योंकि दाढ़ी वाले के फेस पर फेस शील्ड ठीक से बैठता नहीं है। मित्रों, जिस जगह पर ब्लाइंडिंग करना हो उस एरिया को बैरिकेड टेप से बैरिकेड कर देना चाहिए। साइनेज ब्लाइंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ लगा देना चाहिए, ताकि आने जाने वाला अनऑथोराइज पर्सन प्रवेश न कर सके। अब फोरमैन या सुपरवाइजर अपने काम करने के टीम को TBT देता है। मित्रों, कभी कभी क्लाइंट इंटरव्यू में पूछ देता है कि TBT क्या है। जब फोरमैन या सुपरवाइजर काम शुरू करने से ठीक पहले अपने काम करने वाले टीम को काम के बारे में बताता है, साथ ही यह भी बताता है कि काम करते समय क्या क्या खतरा हो सकता है और उस खतरे से कैसे बचा जाता है, तो इस प्रक्रिया को TBT या टूल बॉक्स टाक कहा जाता है मित्रों। यह लगभग 2 या 3 मिनट का होता है। TBT प्राय हर एक नए एक्टिविटी के पहले दिया जाता है। TBT के बाद टीम के सभी मेंबर TBT पेपर पर अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। ब्लाइंडिंग करते समय मित्रों यदि बोल्ट्स पर पेंट लगा हो तो उस पर सबसे पहले पेंट रिमूवर लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ देते हैं, ताकि उस पर से पेंट निकल जाए। फिर वायर ब्रश तथा कॉटन से साफ कर देते हैं। जरूरत पड़े तो हम लोग WD-40 या UP-40 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि लिक्विड का लाइन हो मित्रों तो नीचे आयल ट्रे भी लगा दिया जाता है, ताकि बोल्ट लूज करने के बाद यदि लाइन में लिक्विड हो तो वह जमीन पर न गिरे। सबसे पहले नीचे का बोल्ट लूज करते हैं ताकि फ्लूड वगैरह हो निकल जाए। फिर ऊपर के हाफ बोल्ट्स निकाल कर स्पेसर और पुराने गैस्केट को बाहर निकालते हैं। फिर दोनों फ्लैंजेज के फेस को तथा स्पीड के दोनों फेस को साफ कर नए गैस्केट के साथ स्पीड को लगा दिया जाता है। इस प्रकार ब्लाइंडिंग की प्रक्रिया सभी इनलेट तथा आउटलेट के साथ कर लेना चाहिए। अंत में मित्रों एक अच्छा गुड हाउसकीपिंग कर लेना चाहिए।